कांग्रेस तो जितने तैयार है उससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हमारी तैयारी है। पाँच साल से इस राज्य को बदलने के लिए जनता भी तैयार है और कांग्रेस भी तैयार है। अब तो मैं समझता हूँ कि वोटिंग जिस दिन का इंतजार है जिस दिन वोट पड़ेगी और उस दिन मैं समझता हूँ कि एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा के अंदर सुनिश्चित। अगर हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सत्य है। इन बात पर कांग्रेस के समय में तो हमेशा गरीबी को हटाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि पिछले पाँच साल इस बात के सबूत है कि जहाँ कांग्रेस ने ला करके खड़ा किया है देश को उसको दरिद्रता की तरफ धकेलने का काम किया और इसीलिए आज न्याय योजना की जरूरत पड़ी। आज हम 72,000 रुपये हर साल उनको देकर के सबसे पहले उनको गरीबी की रेखा से नीचे उभार उठा सकें और आने वाले समय में उनको न्याय देकर के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके इस देश को आगे। राहुल जी 9 तारीख को किस तरह करें? राहुल जी 9 तारीख को आ रहे हैं, तैयारियाँ पूरी जोरों पर है। सब जगह प्रचार प्रसार हमने तेजी से शुरू करवा दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि एक तरफा जीत राहुल जी की आज भिवानी में दौरा है और आज के बाद से शुरू गाँव में था लगातार मोमेंटम और बढ़ता जाएगा। कल प्रियंका जी के दौरा सारे स्टार प्रचारक हमारे मैदान में हैं और सबसे बड़ी बात जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है वो बहुत उत्साहित। देखिए पाकिस्तान से तो बहुत कुछ हुआ पिछले, अगर हम उठा करके 5 साल देखें, जितने सैनिक पिछले 5 वर्ष में मारे गए इतने शायद ही मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंतराल में मारे गए होंगे इस देश के अंदर। लेकिन एक सर के बदले 10 सर लाने वाले वो पूरी तरीके से बिरयानी खाने में मस्त रहे, पाकिस्तान जाते थे आम खा के आते थे, कभी उनको यहाँ आ करके बुलाते थे। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है इस देश को संभालना, इस देश की रक्षा सुरक्षा करना, ये केवल और केवल कांग्रेस कर सकती है। और जहाँ तक मामला अमित शाह जी का है, कल तो उनकी खुद की रैलियाँ कैंसिल हुई, तो जनता में पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है और इसीलिए कल मोदी जी ने जिस तरीके से राजीव जी के बारे में कहा, जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये मैं समझता हूँ कि हताशा निराशा और दिखती हुई जो हार है उनकी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कल पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथियों ने पूरे देश के अंदर उस चीज़ को लेकर के प्रदर्शन किया और मैं समझता हूँ कि ये देश भी इस तरह के जो इंसिडेंट हैं और इस तरह की जो बातें फ्रस्ट्रेशन में लोग करते हैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी कश्मीर से 370 है। दूसरा उनका आरोप ये भी है बीजेपी का कि जो कांग्रेस है 2 प्रधानमंत्री देश होना चाहती है, कश्मीर अलग देश में अलग, तो क्या 2 प्रधानमंत्री काम करेंगे देश में? देखिए इस देश का एकीकरण किसने किया, कैसे देश को आज़ादी दिलाई, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल मुद्दे बनाने की कोशिश करती है। अब पिछले 5 साल पूर्ण बहुमत से रहे, 370 का क्यों नहीं उन्होंने समाधान किया? इसी तरीके से और बहुत से मुद्दे हैं जो विवादित थे, आज भी केवल वो विवादों में ही हैं और भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद भी वही कहती है जो आज से 5 साल पहले कहती थी, उससे पहले कहती थी। तो केवल देश चलाने का तजुर्बा और जज्बा वो कांग्रेस में है और कांग्रेस उसको आने वाले समय में तमाम जो इस देश के विवादित मुद्दे हैं उनका भी समाधान करेगी और देश की 125 करोड़ जनता को रोटी कपड़ा और मकान। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई और जंगल राज स्थापित किया, उसको फाड़ फेंकने का काम करेगा। आप बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद और पुलवामा अटैक की बात करती है। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, उनकी जुबान पे है, हमारे खून में है, फ़र्क सिर्फ इतना है। वो राष्ट्रवाद के लिए केवल जुबान चलाते हैं और हम जब ज़रूरत होती है हाथ भी चलाते हैं और अपने आप को प्राणों को भी नौछावर कर देते हैं। तो किसी शायर ने कहा तेरी जुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर इल्ज़ाम यह है कि तू बोलता बहुत है। तो इसलिए अब इनकी बोलती बंद करने के लिए
जनता तैयार हो चुकी है और जहां अभी तक 4-5 चरण के मतदान हुए हैं वहाँ लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा उखाड़ फेंकना है, गरीब किसान मजदूर का राज लेकर के आना।